चलिए भैया नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है 3D। और देखो इसका जो पहली एक्सरसाइज है 11.1, ये तो खैर चलो इंट्रो पार्ट रहेगा 11.1 का, बट ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है जो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, नया सब सुनने को मिलेगा, लाइन। वहाँ पर हमने पढ़ा था वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, अगर वेक्टर को बोला जाए कि इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। क्या बोलते हैं जी? डायरेक्टेड लाइन, मतलब इसका केवल एक ही डायरेक्शन होगा, लेकिन लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं। तो बस वही, इतना ही इसमें अंतर है। डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक, अगर जैसे आपसे ये पूछा जाए कि सपोज मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास एक वैक्टर की अगर मैं बात करूँ कि यार ये हमारे पास एक वैक्टर, ये रहा भैया, ये हमारे पास एक वैक्टर है। ठीक, इसने क्या किया, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया जो आपको दिख भी रहा है, वाई एक्सिस के साथ ना बीटा एंगल बनाया। अब देखो यार, इसने इसके साथ बनाया होगा बट आपको देखेगा नहीं क्योंकि 3D फिगर, तो आप इसको फील करो। और इसके साथ मान लो गामा एंगल इस तरीके से बनाया, वेक्टर है। तो आपसे मैंने बोला किसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जिसको हम लोग एल एम और एन बोलते थे, ये होते थे वेक्टर के। लेकिन अब यहाँ पे वेक्टर नहीं, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, लाइन। तो क्या मैं इसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ इस तरीके से, थोड़ी लाइन। ये अगर एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस अल्फा, यस और नो? तो इसका डायरेक्शन कोसाइन ये भी है और डायरेक्शन कोसाइन ये भी है, यस और नो? क्योंकि लाइन है ना, लाइन इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी। तो एक तो कॉस अल्फा हो गया और एक क्या हो गया, कॉस 180 माइनस अल्फा। और कॉस 180 माइनस अल्फा को लिखते हैं माइनस कॉस अल्फा। देख लो यार, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में कॉस किसका होता है, नेगेटिव 180, नो चेंज। तो एक अगर लाइन की बात करते हैं कि जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, या तो कॉस अल्फा हो गए या माइनस कॉस अल्फा होंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों को हटा के कंबाइन मैंने प्लस माइनस कॉस अल्फा बोल दिया, यस और नो? ऐसे ही प्लस माइनस कॉस बीटा बोल दिया, प्लस माइनस कॉस गामा बोल दिया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, तो सब कुछ बोलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, बट प्लस माइनस लग जाए। क्यों लगेगा, क्या ये बात समझ आई आपको, बताओ? ठीक है, अच्छा। अब हमको ये पता है कि अगर मैं कोई सा भी एक वेक्टर लेता हूँ, मान लो ये ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसको खैर मैं वेक्टर में बता चुका हूँ बट समझना अच्छे से, ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो ऐसे केस में जो ये ए बी और जो सी होते थे, इसको हम लोग बोलते थे डायरेक्शन रेशियो, यस और नो? क्या बोलते थे, डायरेक्शन रेशियो। लेकिन अगर बोल दिया गया, अगर इसी वेक्टर को देखो, अगर इसी वेक्टर को आपको ये बोल दिया जाए कि ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, क्या ये यूनिट वेक्टर है, तो ऐसे में ए बी सी को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है, यस और नो? किसी भी वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर के फॉर्म में, आप ये मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि सर लाइन वेक्टर कुछ नहीं, आंसर सब कुछ सेम आएगा, प्लस माइनस लगाना है आपको, इसलिए वेक्टर समझो, जो आंसर है प्लस माइनस लगाओ, खत्म करो। तो ज़्यादा लाइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो जिससे आपको ये लगे हम कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं, पहले ही पढ़ चुके, वही है, क्लियर है? अच्छा, और अगर आपसे बोला गया कि एक वेक्टर है, इसके तीन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तीन ही डायरेक्शन रेशियो होते हैं, तो अगर इसके तीन डायरेक्शन रेशियोस क्या क्या होते हैं, मैंने लिए ए बी सी मान लो, और डायरेक्शन रेशियो मैंने लिए एल एम एन, ठीक है? तो इनका जो डिवाइड होता है वो हमेशा क्या आता है, प्रोपोर्शनल होता है, बराबर आता है। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं वेक्टर में, ए अपॉन एल और बी अपॉन एम और सी अपॉन, जो भी इनका आंसर आएगा आपस में क्या आएगा जी, बराबर आएगा, और वो कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। ठीक, अच्छा, क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वन, बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके, कोई इसमें मतलब बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि एल कैसे निकालते हैं, तो एल का लोगों ने आंसर बताया कि ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन लाइन की बात है तो प्लस माइनस करो, वेक्टर की तरह ही पढ़ो, बिल्कुल जो आंसर आए उसमें प्लस माइनस, क्यों भैया? यहां से ऐसे ही आपसे कोई पूछे यार एम क्या होता है, तो एम क्या होगा, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसका प्रूफ बता दूंगा, चिंता मत करो, ये वेक्टर में सब पढ़ चुके हैं, और सी अपॉन
अब देना आप खुद ही इसका प्रूफ कर लोगे, खुद ही बैठे बैठे भी देखना, ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। चलो अब आप कहोगे सर ये चीज़ कहाँ से है, ठीक, अब समझना ये हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर है। अगर किसी नॉर्मल वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर है, उसमें उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें तो क्या वो यूनिट वेक्टर नहीं बन जाता है? वेक्टर का इतना तो यार पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप बोलेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यस और नो? अगर इस मैग्नीट्यूड का इसके साथ डिवाइड कर दें तो जो ये वेक्टर आर वेक्टर था, क्या हम इसको यूनिट वेक्टर नहीं बोल देंगे? बिल्कुल बोल देंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अब इसका नाम हो गया यूनिट वेक्टर, और ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप में किसका डिवाइड होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, बोलो ना, ठीक। अब सुनो यार, क्या ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं हो गया? और यूनिट वेक्टर में जो ये होता है इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो वही तो निकल के आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। तो बस आप इतना याद रखो, ये बेसिक सी चीज़ें, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। वेक्टर में सारा प्रूफ बता दे, प्रूफ एग्जाम में नहीं आ रहा, आप इतनी बातें याद रखो बस, ठीक है। दो बातें तो याद रखनी है इनसे, तुम्हारी 11.1 खत्म, कि नॉर्मल वेक्टर है तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियो, यूनिट वेक्टर है तो ए बी सी डायरेक्शन कोसाइन, बस। तो कभी कोई आपसे बोले ना कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो या तो ये फॉर्मूला यूज कर लो भैया, या उस वेक्टर को कन्वर्ट कर दो यूनिट वेक्टर में, तो वो हो जाएगा ऑटोमेटिक, जैसा आपको सही लगे। कोई डाउट है इसमें? कोई ऐसी चीज लग रही है आपको कि सर ये थोड़ा सा यार? और कभी ये बराबर मत कर देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कभी बन के बराबर मत कर देना, ठीक, क्योंकि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इनके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत है? चलो जी अब देखते हैं, चलो जी आ जाओ। अभी कह रहे हैं आपको बताना डायरेक्शन कोसाइन, बस छोड़ो, डायरेक्शन कोसाइन एक ऐसी लाइन का जो दो गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो इसका प्रूफ बताया गया मैं वो भी बता दूंगा, बट पहले देखो सिंपल वाला प्रूफ, सबसे सिंपल, सबसे सिंपल। तो आप ना इसको लाइन भूल जाओ, अरे छोड़ो ना यार, इसको आप लाइन भूल जाओ। आप ये सोचो ये एक वेक्टर है जिसका नाम है पी क्यू वेक्टर, ये क्या हमारे पास एक पी क्यू वेक्टर है, ठीक। तो मैं आपसे कहता हूँ भैया पी क्यू वेक्टर को लिखो, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे? एंड में क्या क्यू है, तो इससे इसको माइनस करो, ठीक। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, y2 टू माइनस वाई वन जे कैप, और z2 टू माइनस जेड वन के कैप, यस और नो? ये नॉर्मल एक वेक्टर ही तो है, तो ये क्या रहे होंगे? इसके डायरेक्शन रेशियो, लेकिन हमसे क्या पूछा? डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने आपको बताया था जब किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन बन जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, या तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको ऐसे लिखो, तो बात तो एक ही है। तो ये कितना आएगा डियर? अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर और प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। क्लियर है? अगर मैं इसका डिवाइड इसके साथ कर दूं तो क्या ये यूनिट वेक्टर नहीं बन जाएगा? तो मैं इतने का डिवाइड करके नहीं, उसकी जगह मैं पी क्यू लिख दूंगा, यस और नो? तो क्या पी क्यू वेक्टर में अब ये हो गया यूनिट? तो मैं क्या लिखूंगा? x2 टू माइनस एक्स वन आई कैप अपॉन पी क्यू प्लस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू आई जे कैप, z2 टू माइनस जेड वन अपॉन पी क्यू के कैप। अब ये बन गया यूनिट वेक्टर, तो क्या ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, यस और नो? तो अगर मैं पूछूं कि पी क्यू जो वेक्टर था इसके डायरेक्शन को जाओगे एल x2 टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू y2 टू माइनस वाई वन अपॉन ये m है, और n क्या हो गया? z2 टू माइनस जेड वन अपॉन पी क्यू। लेकिन बात किसकी हो रही है? लाइन की। तो कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो भूलना ही नहीं आपको बस, ठीक है। आप पढ़ो इस पूरे चैप्टर को वेक्टर की तरह। अब ये मत कहना कि सर बुक में तो उन्होंने प्लस माइनस नहीं लगाए, गलती है उनकी, उनको लगाना था, बट गलती क्या, उन्होंने इसको केवल इतना दिखाया, अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे तो प्लस माइनस आएगा, चिंता नहीं करो। कभी लाइन की बात हो आप प्लस माइनस लगा के, क्या कोई दिक्कत हुई इसमें? उन्होंने कैसे बताया मैं वो बता दूं, बट मुझे उनका उतना अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा सा सिंपल लगा। उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो उन्होंने पॉइंट ऐसे दे दिए इस तरीके से, मान लो ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट, इससे इसको मिलाया
ये एंगल बना गामा, क्यों लिया गामा, क्योंकि जेड एक्सिस है, जेड के साथ कितना होता है एंगल, गामा बनता है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या जुगाड़बाजी की, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन जेड वन, तो क्या ये डिस्टेंस जेड वन नहीं होगा अगर इसके पैरेलल है, ये आगे तक बढ़ा दिया से, प्रूफ बता रहा हूँ, समझ आए, अच्छी बात है, ये क्यू पॉइंट है, तो क्या इस पॉइंट ये डिस्टेंस हमारा जेड टू नहीं हो गया, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ से ट्रायंगल बना दिया जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी, क्लियर है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना नहीं है तो भी अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल गामा है तो भाई साहब ये भी गामा, क्योंकि लाइन आपस में क्या है पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये गामा है तो ये भी गामा अल्टरनेट से, ठीक है भैया, क्या करो गाना, ये एंगल 90। चलो अब मैं इस वाले ट्रायंगल में लगाता हूँ कॉस, कॉस गामा, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा भैया बेस। अब मैं आपसे बोलूँ ये पूरा Z2 है, इतना Z1 है, क्या ये Z2 माइनस Z1 नहीं बचा, तो ये हो गया हमारे पास Z2 माइनस Z1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या PQ, तो PQ वेक्टर का मॉडुलस मतलब PQ, तो देखो cos गामा हमारा निकल के आ गया Z2 माइनस Z1 अपॉन PQ। ऐसे ही जब लाइन इसके पैरेलल होगी, उन्होंने इस तरीके से प्रूफ बताया इसका, तो जो अच्छा लगे मैंने आपको दोनों ही बता दिए, कोई डाउट है तो आप बताओ इसमें, मतलब ये फार्मूला तो आपको एटलीस्ट याद रखना है, ठीक है भैया। अगर कोई लाइन दो गिवन पॉइंट से होती हुई जा रही है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या होते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन पी क्यू, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन पी क्यू, जेड टू माइनस जेड अपॉन पी, कोई डाउट है, चलिए जी। अभी तक इंट्रो पार्ट पढ़ लिया, हम केवल एग्जांपल और एक्सरसाइज भी कवर करते हैं। पहला देखते हैं, कह रहे अ लाइन मेकिंग एंगल्स 90 60 30 विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वो होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, अल्फा कितना है 90 60 और 30, तो बस दिस इज योर आंसर, कॉस 90 और कॉस 60 और कॉस 30, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 60 की, तो बस आंसर आ गया, चेक कर लें, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि इफ द डायरेक्शन रेशियो, अगर आपके ऊपर डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं तो हमसे बोला गया डायरेक्शन कोसाइंस। अब एक बात समझो, इसको मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, आप बेसिक सा समझो रहा, क्योंकि वेक्टर के तरीके से करते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज है किसके होंगे, किसी वेक्टर के, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो वेक्टर क्या, तो मैंने उस वेक्टर को बना दिया 2i कैप माइनस j कैप माइनस का 2k कैप, ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है नॉर्मल तो इसकी ये 2 और माइनस 1 और माइनस 2 क्या डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं तो वो क्या हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, तो चलो कन्वर्ट करते हैं यूनिट वेक्टर में, तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस का 2k कैप और अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 9, मतलब 3 हो गया, तो क्या मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 3 i कैप 1 अपॉन 3 j कैप 2 अपॉन 3 के कैप, तो अब ये हमारा बन गया यूनिट वेक्टर। जब ये यूनिट वेक्टर बन गया तो यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, तो एल से इंडिकेट करेंगे, ये हो गया 2 अपॉन 3, ये हो गया माइनस 1 अपॉन 3 और ये हो गया माइनस का 2 अपॉन 3, ठीक है। अब बुक वाले ने क्या किया जरा बता दें आपको, कल प्रूफ करके बताया था एल जो होता है वो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, था इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, एम क्या होता है जी बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अगर लाइन की बात हो रही है तो प्लस माइनस लगा देना, अदरवाइज नॉर्मल, ठीक है भैया। लेकिन मैं चाहता हूँ वेक्टर के तरीके से आप करो। एग्जाम्पल 3 कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, एक पॉइंट हमारे पास मान लो ये ए है और एक पॉइंट हमारे पास है जी 1 2 3, इन दोनों पॉइंट से ए और बी से लाइन होती हुई जा रही, लाइन की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इसके फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस की बात की है। अब एक बात समझना, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ए बी वेक्टर बनाता हूँ, आप ए बी वेक्टर, तो एंड में क्या रहा बी, तो माइनस करो 1 से माइनस के माइनस 2 तो 3 आई कैप, 2 से माइनस के माइनस का 2 जे कैप, इससे क्या तो प्लस का 8 के कैप, ये हमारे पास आ गया एक वेक्टर, हमको फाइंड करना इसके डायरेक्शन कोसाइन, तो इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे एक यूनिट वेक्टर में, तो 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 8k कैप अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया जी 68 और 76 77,
तो इसको हम लेंगे 3 अपॉन रूट में 77 आई कैप जे कैप के कैप। ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया। ये अगर मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया तो फिर ये स्केलर कंपोनेंट्स का डायरेक्शन कोसाइन। तो एल हो गया हमारे पास 3 अपॉन रूट 77, एम हो गया माइनस का 77 और एन हो गया, लेकिन हमसे बोला लाइन तो प्लस माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। भले बुक वालों ने लगाया हो या नहीं लगाया हो बट आप प्लस माइनस लगा, क्योंकि लाइन में दो डायरेक्शन होते हैं हमारे पास। चलिए जी, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 4। कह रहे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत से बच्चे देखो सॉल्यूशन देख के भी इसको नहीं समझ पाते। कह रहे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। चलो ये अच्छा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके तीन आंसर आएंगे, पहले एक्स को देखो। कह रहे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बताओ, एक्स एक्सिस को। अब देखना ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है। आप x एक्सिस को एक वेक्टर मान लो थोड़ी देर के, ये एक वेक्टर है। तो कह रहे हैं इस x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन बताओ। हर किसी लाइन के या हर किसी वेक्टर के तीन डायरेक्शन कोसाइन, तो l, m और n, ठीक। x एक्सिस ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया होगा, जीरो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अल्फा एंगल क्या हो गया, जीरो। अच्छा x एक्सिस ने y के साथ कितना बनाया होगा, 90। तो बीटा कितना हो गया जी, 90। एक्स ने जेड के साथ कितना बनाया होगा, 90। तो गामा कितना हो गया जी, 90। तो ये आके निकल के हमारे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन एंगल्स, हमसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइन। तो कुछ नहीं होता है, एल बराबर क्या था, कॉस अल्फा, मतलब कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है डियर, 1। एम कितना हो गया, कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। एन कितना हो गया, कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो ये जो निकल गया ये केवल और केवल एक्स एक्सिस के आए हैं, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन है। अब जाओ वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस ने भी इन तीनों के साथ एंगल बनाए होंगे, तीन अल्फा बीटा गामा। अगर मैं वाई की बात करूं तो इसने वाई ने एक्स के साथ कितना बनाया होगा, 90। और खुद के साथ गामा के साथ, तो बस वाई एक्सिस की वही कॉस अल्फा, तो कॉस 90, कॉस 0 और कॉस गामा। तो कॉस 90 कितना हो गया, कॉस 0 बन, तो 0 बन 0, ऐसे इसके निकालो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहे हैं, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, इसको बताएंगे तरीके से, इससे हटा दो, जगह नहीं है। एग्जाम्पल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कि तीन पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, 2, 3 और -4 और 1, -2 और 3 और सी दिए 3, 8 और -11, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स हैं, आपको एक आ गया चेक करो ये कोलिनियर है। तो भैया कोलिनियर के तीन तरीके बताए गए हैं आपको चेक करने के। पहला क्या है, अगर कोई एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा बी वेक्टर इस टाइप का प्लस माइनस, या इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल हो, या डायरेक्शन कोसाइन इक्वल हो, बस ये तीन किसी से भी आप दिखा सकते हो। ये तीन पॉइंट्स हैं। अब मैंने कहा भैया एक पॉइंट ये रहा ए, एक ये रहा बी और एक ये रहा सी मान लो, ठीक है, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब एक बात सुनो, मैं एक एक करके इसका मीनिंग समझाता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ यार ए बी वेक्टर बनाओ, चलो क्या बताओ, ए बी वेक्टर, ठीक है सर, ए बी वेक्टर बनाओ। अच्छा यार ना हम लोग बिना बनाए भी कर लेंगे, बट मैं सो रहा हूँ एक सीक्वेंस से आपको होता है। ए बी एंड में कितना आ रहा है जी, बी आ रहा है, तो 1 -2 कितना, माइनस का आई कैप और माइनस, तो ये माइनस का 5 जे कैप और ये 7 के कैप। अब मैं आपसे कहता हूँ बी सी वेक्टर बनाओ यार, चलिए बी सी वैक्टर बनाते हैं, तो एंड में सी आ रहा है, तो 3 से बन गया 2 आई कैप, 8 प्लस का 10 जे कैप और माइनस का 14 के कैप। अब सुनना, ठीक है, अब देखो मैं तीनों तरीके से एक एक करके आपको बताता हूँ, आप कोई भी बोर्ड में एक करके आ जाना। पहला तरीका, अब एक बात सुनो आप यार, क्या मैं इस वाले से, इस बी सी वैक्टर में से क्या मैं -2 कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा अंदर, माइनस का आई कैप, माइनस का 5 जे कैप और प्लस का 7 के कैप, हाँ ठीक है। तो क्या मैं इसको, ये वेक्टर सेम मिल गया, तो क्या मैं इसको -2 ए बी वैक्टर लिख सकता हूँ। जब कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के बराबर हो, जब उसमें किसी लैम्डा या स्केलर कंपोनेंट स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके आता हो, तो क्या ये जो वेक्टर है बी सी वैक्टर, ये इस फॉर्मेट में नहीं आ गया जी, इस फॉर्मेट में, सो इट इज़
कोलिनर। दूसरा तरीका कह रहे हैं इनके डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या हो, प्रोपोर्शनल। चलो भैया डिवाइड करो, इसका माइनस वन इसका टू तो माइनस वन अपॉन टू, इसका माइनस फाइव इसका टेन तो भी देखो माइनस वन अपॉन टू, और इसका सेवन और माइनस फोर्टीन तो भी देखो माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू, डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल। अब बात आती है इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो इक्वल, तो एक बात सुनो क्या हम लोग इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, क्या इसके निकाल सकते हैं, वो तीनों बराबर आएंगे। और वैसे समझो अगर ये कोलिनियर है ये एक सीध में है तो इनके डायरेक्शन तो सेम होंगे ना, तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस को अगर मैं बात करूं, अगर स्ट्रेट लाइन में जिसको स्लोप बोला गया था 3D में उसको डायरेक्शन कोसाइन बोला गया है, 2D में जिसको स्लोप बोला गया था क्योंकि स्लोप भी बताता क्या था डायरेक्शन, तो 3D में ऐसी स्लोप को थोड़ा एडवांस करके इसको डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया गया। तो इस तरीके से कर सकते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो एग्जाम्पल खत्म हमारे, सॉल्यूशन पे आते हैं, एक्सरसाइज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं 11.1 का कि भैया इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90, 135, 45 x/y, सब कुछ दिया गया, अल्फा 90 है और बीटा 135 और गामा 45, तो बस डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस 90, कॉस 135 और कॉस 40, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। और कॉस 135 क्या होगा, 90 प्लस, तो देखो 90 प्लस सीटा किस क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में, सेकंड कॉस किसका होता है माइनस 90 है, तो चेंज, तो साइन 45 क्या होगा माइनस का, और कॉस 45 क्या होगा, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा देखो अरे छवि छोड़ दे यार सही है चल लाओ फिर है कह रहे हैं कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, एक लाइन है मान लो ये रही, जिसने क्या किया है एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल्स बनाए हैं, इसके साथ अल्फा, तो इसके साथ मान लो अल्फा क्योंकि तीनों बराबर है ना, इसके साथ भी क्या ले लो अल्फा। अब आप कहो से अल्फा बीटा गामा, ऐसे ले लो अल्फा बीटा गामा, लेकिन कंडीशन क्या है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तो कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो अब समझ ना जरा भैया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा, और दूसरा हमारा क्या होता था कॉस बीटा, लेकिन वो भी हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर है, और ये भी हो जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। तो एंगल की अगर बात करें तो हमको पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है डियर वन, तो एल मतलब कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया वन, तो ऐड करो तो ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू वन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया 1/3, कॉस अल्फा हो गया प्लस माइनस 1/√3, ठीक है भैया। तो अल्फा कितना होगा जाके एंगल निकल के आ जाएगा कॉस इनवर्स प्लस माइनस 1/√3, लेकिन हम तो एंगल नहीं पूछा था, हम तो इतना ही पूछा था कि डायरेक्शन कोसाइन बता दो, तो यही आ जाएगा ठीक है सभी के। कह रहे हैं इफ अ लाइन है द डायरेक्शन रेशियो, पूरे एग्जांपल हैं वही, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है माइनस 18 और 12 और माइनस 4, तो कह रहे डायरेक्शन कोसाइन बताओ। अब मैं डायरेक्ट करूंगा तो एल बराबर इसको लिखो माइनस 18 और डिवाइड कर दो नीचे स्क्वायर का सब, 18 का स्क्वायर 17 का 289, 18 324, 12 का 144, 4 का 16, ठीक है। एम हो गया हमारे पास कितना 12 अपॉन यही, ऐड कर दो इसे ठीक है, ऐसी एन भी हो जाएगा माइनस का 4 और नीचे ये लिख दो ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं भैया ये कोलिनियर है, सब एग्जांपल लिखे हुए, कह रहे हैं ये तीन पॉइंट्स हैं 2, 3, 4 -1, -2, 1 एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल अच्छे से कर दिया था, ये कोलिनियर है। तो अब सिंपल सी बात, आपको अगर इसको ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, इसको सी, तो ए बी वैक्टर के अगर मैं बोलूँ डायरेक्शन कोसाइंस क्या हूँ, चलो माइनस करो, माइनस वन से ये क्या तो -3, -2 माइनस का 5 और माइनस का 3, ऐसे ही है बी सी, 5 से गया 6, 10 और ये 6, इनका डिवाइड करो, देखो भैया रेशियो बराबर आ रहा है ठीक है। तो -3/6 कितना होगा माइनस का 1/2, माइनस का 5/10 कितना होगा माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/2 ठीक है। चलो जी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है उसमें कितनी साइड 3, तो इनके ये पॉइंट दिए गए, देखो जरा ए बी सी,
अब ए को दे दिया गया है 3, 5, -4 -1, 1, 2 और -5, -5 और ये -2 कह रहे हैं। इसमें हर लाइन के डायसन कोसाइन बताओ, हर लाइन के। चलो एक लाइन मान लो ए बी है, तो मैं एक के निकाल के आपको दिखा देता हूँ ए बी वैक्टर क्या होगा। चलो पहले ए बी वैक्टर बनाते हैं, एंड में क्या रहा बी, तो माइनस करो, तो -4 आई कैप, -4 जे कैप और +6 के, ये वेक्टर आ गया। अब डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से, तो वो क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 36, यस और नो, कितना हो 16 32 32 64 68, यस और नो, तो ये कितना हो गया 68। तो मैंने क्या किया इनके साथ 68 रूट में, √68 और √68, तो बस डायरेक्शन क्वेश्चन एल हो गया -4/√68। खत्म एक्सरसाइज।